उत्सव प्रियता भारतीय जीवन की प्रमुख विशेषता है। देश में समय समय पर अनेक पर्वों एवं त्योहारों का भव्य आयोजन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार नागों को समर्पित किया जाता है। इस त्योहार पर नागों का अर्चन पूजन किया जाता है। वेद और पुराणों में नागों का उद्गम महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रु से माना गया है। नागों का मूल स्थान पाताल लोक प्रसिद्ध है। तो आइए जानते हैं श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को ही नाग पूजन क्यों किया जाता है, क्यों मनाई जाती है नाग पंचमी। समुद्र मंथन द्वारा प्राप्त 14 रत्नों में उच्चैश्रवा नामक एक घोड़ा भी प्राप्त हुआ था जो पूर्णतः सफेद रंग का था। एक बार इस उच्चैश्रवा घोड़े के रंग के संबंध में नाग माता कद्रु और गरुड़ की माता विनता दोनों में वाद विवाद होने लगा। गरुड़ की माता विनता का कहना था कि घोड़ा पूरी तरह से सफेद रंग का है, जबकि नाग माता कद्रु का कहना था कि घोड़ा सफेद रंग का तो है किंतु घोड़े की पूंछ काले रंग की है। दोनों में वाद विवाद बढ़ने लगा। तब ये शर्त रखी गई कि जिसका कथन असत्य सिद्ध होगा उसे दूसरे की दासी बनकर रहना पड़ेगा। दोनों इस शर्त पर सहमत हो गईं। नागमाता कद्रु जानती थीं कि विनिता का कहना सत्य है, किंतु खुद को सही साबित करने के लिए नागमाता कद्रु ने नागों को बाल के समान सूक्ष्म बनकर घोड़े की पूंछ से लिपट जाने को कहा। किंतु नागों ने ऐसा करने से मना कर दिया। इस पर कद्रु ने क्रोधित होकर नागों को श्राप दिया कि पांडव वंश के राजा जन्मेजय द्वारा नाग यज्ञ किया जाएगा जिसमें सारे नाग जलकर भस्म हो जाएंगे। नाग माता के श्राप से भयभीत होकर नागों ने ब्रह्मा जी को इस श्राप से बचने का उपाय पूछा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि यायावर वंश में उत्पन्न तपस्वी जरत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि नागों की रक्षा करेंगे। ब्रह्मा जी ने पंचमी तिथि को ही श्राप से बचने का उपाय नागों को बताया था तथा इसी पंचमी तिथि पर आस्तिक मुनि ने नागों को सर्पयज्ञ में जलने से बचाया था। इसीलिए नागों को पंचमी तिथि अधिक प्रिय है। अतः नाग पंचमी यह व्रत ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर ही आस्तिक मुनि ने सभी नागों की जान बचाई थी, इसीलिए श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को ही नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है।